जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें, ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। ये जामिल का PTX मॉडल का पैकेज यूनिट है। कंप्लेन ये है, डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखा रहा है, यानी AC नहीं चल रहा और डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखा रहा। साइट टेक्नीशियन का कहना है कि वोल्टेज अवेलेबल है, मौजूद है, AC में वोल्टेज आ रहा है, जो 3 फेज है और न्यूट्रल वो दोनों आ रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले नहीं कुछ आ रहा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, 4 कंप्रेसर है इसमें, आप कंट्रोल इसका देख ही रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जब डिस्प्ले नहीं आ रहा, सबसे पहले हम लोग इसका मेन वोल्टेज चेक करते हैं। LED ब्रेकर का जो इनपुट, ओके, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 1, लाइन 3, ये आपका ओके, यानी जो इनपुट जो वोल्टेज जो आ रहा है ट्रांसफार्मर से, जो मेन ट्रांसफार्मर से AC में, वो ओके है। लाइन और न्यूट्रल चेक कर लीजिए। ओके, तो ये भी ओके, और लाइन 3 से भी ये भी ओके, तीनों ओके। अब आउटपुट में जो ब्रेकर का जो आउटपुट है उसमें वोल्टेज चेक करेंगे। चलो, ये भी ठीक है बड़ा भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो, और अब आउटपुट से न्यूट्रल को चेक कर लेंगे, ये भी ठीक है, ये जनाब भी ओके है और ये जनाब भी ओके है। चलो, वोल्टेज यानी कि यहाँ तक तो ओके, प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। ओके, अब हम लोग यहाँ से, ये पूरा वायर इसमें से आउटपुट हो रहा है, यहाँ से एक बार लाइन न्यूट्रल चेक कर ले रहे, सब सही है, लेकिन हाँ ये सही है। ओके, हाँ ठीक है। ओके, अब हम लोग को चेक करना होगा टर्मिनल 1 में और 2 में, लेकिन थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है तो इसके लिए कुछ इंतज़ाम करते हैं, पहले CD का जो लैडर का, उसके बाद बताते हैं कि मसला क्या है। ओके, ओके, तो टर्मिनल 1 2 में वोल्टेज चेक करना होगा, यहाँ तक वोल्टेज का इशू नहीं है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो पहले वोल्टेज ही चेक करेंगे, पहले वोल्टेज चेक करेंगे, कुछ डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे चेक करने के लिए हाइट बहुत ज़्यादा है ना, यूनिट बहुत हाइट पे लगाया गया है। ओके, तो पहले लाइटर का इंतज़ाम किया जाए। सिल्लम, तो आपका 2 और 1 में वोल्टेज चेक करो, नहीं है, ओके, 1A और 2 में चेक करो, यहाँ पर भी भाई नहीं है, बाद में 2 और 1B में चेक करो, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, जब ऐसा है सबसे पहले कहीं पर जाओ नहीं, कहाँ जाओ सबसे पहले, एक है UVM और एक है फ्यूज, तो सबसे पहले फ्यूज में जाएंगे हम लोग, UVM बाद में, क्योंकि UVM में लाइट है, ग्रीन लाइट है, मीन्स ओके होने का चांस पूरा है। ओके, एक काम करो, ब्रेकर को ऑफ करो। हेलो, तो सबसे पहले यहाँ 3 फ्यूज दिख नज़र आ रहा है, 3 फ्यूज, ठीक है, यह वाला लेफ्ट से शुरू करते हैं, हमेशा राइट से होता है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट से शुरू करो। ओके, पावर ऑफ किया ना, ओके, इसका कंटिन्यूटी चेक करो। हेलो, एक मैसेज, क्यों इतना हाइट पे लगा दो, नीचे आ दो, जस्ट वेट। ओके, तो ये फ्यूज निकाल लिए हैं, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट कर, देख 3 था ना, हाँ ओके, ये वाला से पहले इसको चेक करते हैं कितने हैं, ये 5 एम्पेयर का है, 5 एम्पेयर का, यस यस, डायरेक्ट साउंड आ रहा है, डायरेक्ट चेक टेस्ट कर रहे हैं, तो ओके, फ्यूज में नहीं आ रहा, फ्यूज गया हुआ, ओके, लेकिन ओके, फ्यूज गया हुआ, लेकिन फ्यूज क्यों गया, अभी एक सवाल है, फ्यूज क्यों गया, लेकिन फ्यूज गया हुआ, ठीक है, तो पहले फ्यूज रिप्लेस करेंगे, फिर बाद में चेक करते हैं कि क्या होता है इसका। ओके, ओके, तो ये नया फ्यूज़ है, जो पुराना फ्यूज़ था वो भी 5 एम्पेयर का था, ये भी 5 एम्पेयर का है, ठीक है, तो इसको हम लोग लगाते हैं। और ऑफ है ना, ऑफ है, ऑफ है,
काम करती हैं, थोड़ा वेट करते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए, डिस्प्ले आने में टाइम लगता है। ओके एक मिनट अभी आ गया है। ओके फिर ऑन ऑफ कर पहले एक बार ग्राउंड सब चेक कर लो, फ्यूज उड़ा क्यों वो भी एक सवाल है, फ्यूज उड़ने का कुछ रीज़न हो सकता है, तो एक बार इसको चेक कर लें बाई चांस कोई ऑन हुआ उस टाइम वो उड़ाया। सबसे पहले ब्लोअर को चेक कर लें, ब्लोअर को बॉडी से ठीक है, ये ठीक कंप्रेसर चेक कीजिए वन का है और कंप्रेसर ठीक है। नंबर टू को चेक करें, नंबर थ्री फोर कोई ग्राउंड तो नहीं दिखा रहा, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए और एक बार थोड़ा सा। ओके चलिए इसको लगा देते हैं और ऑन करते हैं। स्टार्ट करो वहां से, डिस्प्ले आ गया है ठीक है। अभी हम लोग इसको कमांड देंगे डीडीसी से, बीएमएस से कमांड देके फिर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन हाँ ऑलरेडी यहाँ से ऑन है, लेकिन जब तक बीएमएस से, क्योंकि ये एसी जो कंट्रोल हो रहा है वो डीडीसी से कंट्रोल हो रहा है, तो प्लीज वहाँ से ऑन कीजिए। ओके इसको, ओके ये ब्लोअर का एम्पेयर है, ओके और अभी कंप्रेसर, ओके ये भी चल रहा है, दूसरा कंप्रेसर ये भी चल रहा है, सब नहीं चल रहा, चारों कंप्रेसर तीन को डिमांड दिया है चालू होगा, लेकिन ये टेम्परेचर आपका जो रूम टेम्परेचर है वो 22 और सेट पॉइंट भी 22 है ठीक है। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं HVACAMJADMJ मिला के लिखें और सर्च करें और यहां से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।